मरियम साहबा ने पथराव वाला जुलूस निकाला है, एक्चुअली वो खुद नाहल हो चुकी हैं, वो चाहती हैं शहबाज क्यों इस तरह अहल फिर रहा है अभी तक। मरियम खुद नाअहल हो गई, देखती हैं शहबाज शरीफ क्यों अहल फिर रहा है। मौलाना की गलत फहमी है कि वो बच्चों को बरगला लेंगे। शेख रशीद कहते हैं इनका एक ही मुतालबा है कि केसेस से जान छुड़ाई जाए, असेंबली से इस्तीफे की बात इनकी बड़ी भूल है। कल आर्मी चीफ और जनरल फैज DGI जो है वो जाएंगे, तो अगर थोड़ा बहुत कोई माशा तोला फर्क रह गया वो भी दूर हो जाएगा। सऊदी अरब से गलत फहमियाँ दूर हो चुकी हैं। कल आर्मी चीफ और DGISI सऊदी अरब जाएंगे, दौरे से ताल्लुकात में रही सही कमी भी दूर हो जाएगी। इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे, शेख रशीद ने एक बार फिर बता दिया। नवाज शरीफ ने तोशाखाना रेफरेंस में तलबी चैलेंज कर दी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। एहतसाब अदालत की कार्रवाई, इश्तिहार जारी करने का हुक्मनामा कलदम करार देने की इस्तदा। आसिफ जरदारी ने फ्रॉड के जरिए नेशनल बैंक से कर्ज का मंसूबा बनाया, साबिक सदर ने जाली कंपनी से रकम अपनी कंपनी के अकाउंट में मुंतकिल की, पार्क लेन कंपनी रेफरेंस की चार्जशीट जारी। शराब लाइसेंस केस में वजीर आला पंजाब को दिए गए नैब सवालनामे की तफसीलात मंजर आम पर आ गई। यूटिलिटी बिल्स, मुलाजमीन की तादाद, दौरों की तफसीलात, बच्चों के अखराजात, जायदादों की तफसीलात तलब। सरकारी खतो किताबत और नोटिफिकेशन में माजूर की जगह माजूरी का हामिल शख्स या मुनफरिद सलाहियतों का हामिल शख्स लिखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने विफाकी और सूबाई हुकूमतों को माजूर का लफ्ज इस्तेमाल करने से रोक दिया। भारतीय हाई कमीशन के सीनियर सफारतकार की दफ्तरी खारजा तलबी, सीज फायर मुआहदे के खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। 14 अगस्त को भारतीय इशाल अंगेजी डरियाल सेक्टर में 3 साल की बच्ची जख्मी हुई थी। आज कश्मीरियों के लिए आजादी एक ख्वाब है, लेकिन यकीन कीजिए आजादी की लड़ाई नस्लें लड़ती हैं। फवाद चौधरी कहते हैं वो दिन दूर नहीं जब कश्मीरी आजादी का दिन पाकिस्तान के साथ मना रहे होंगे। यही इस इंडिया का और इस फासिस्ट मुल्क का और इस फासिस्ट माशरे का और इसकी सोसाइटी का और इसकी एस्टेब्लिशमेंट का तुर्रा इम्तियाज है कि ये इस खित्ते के हर मुल्क, चीन, भूटान, नेपाल, बर्मा, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान, उनके अंदर दहशतगर्दी इनकी इंडियन रॉ मुसलसल करवाती है। भारत रॉ के जरिए पड़ोसी ममालिक में दहशतगर्दी करा रहा है। इस वक्त भारत की कयादत हिटलर मोदी के हाथ में है जो रोजाना चीन से जूते खा रहा है। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं बीजेपी खत्ते के लिए खतरा बन चुकी। वादी कश्मीर जन्नत नजीर के निहत्ते मजलूम कश्मीरी भारतीय यौम आजादी को यौम सियाह के तौर पर मना रहे हैं। LOC के दोनों इतराफ अवाम सरापा एहतजाज, हुर्रियत क्यादत की कॉल पर वादी में मुकम्मल हड़ताल। पूरी वादी छावनी में तब्दील, इंटरनेट का ब्लैकआउट कर दिया गया। जगह जगह रेडियो के प्रोग्राम ने भारत को खौफ में मुब्तला कर दिया। कश्मीरियों को एहतजाज से रोकने के लिए 1 साल से जारी फौजी मुहासरा मजीद सख्त कर दिया। साल से मकबूज आबादी के कश्मीरियों पर 9 लाख भारतीय फोर्सेस के मजालिम, जबर तशद्दुद और कर्फ्यू, अक्वामे मुत्तहिदा इंसानी हुकूक के अलमबरदारों और जानवरों के हुकूक के दावेदारों के लिए सवालिया निशान।
इसराइल और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान ताल्लुकात इस्तवार होने के खिलाफ बादशाही मस्जिद लाहौर में पुरअमन एहतजाज। उलमा की तमाम मुसलमान ममालिक से इसराइल के साथ ताल्लुकात खत्म करने की अपील। इसराइल और मुत्तहिदा अरब इमारात डील पर फलस्तीनी सरापा एहतजाज। कहते हैं फलस्तीन की किस्मत का फैसला करने का हक सिर्फ अवाम को है, किसी को सौदेबाजी नहीं करने देंगे। आर्मी चीफ और बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोन रब्ता। कोरोना से निपटने की हिकमत अमली, पोलियो मुहिम की बहाली पर गुफ्तगू। बिल गेट्स पोलियो खात्मे के लिए पाक फौज के किरदार के मुतरफ। पोलियो का मर्ज सारी दुनिया से इरेडिकेट हो चुका है। दुनिया में सिर्फ दो मुल्क रह गए हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इल्तिजा करता हूं कि अपने बच्चों को इस मूजी मर्ज से बचाने के लिए उनको पोलियो के कतरे पिलाएं। कराची समेत सिंध भर में 7 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। 92.5 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। पंजाब में भी 4 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू। चेयरमैन आसिम सलीम बाजवा का सी पैक इंटर्नशिप शुरू करने का ऐलान। नौजवान 3 माह के लिए इंटर्नशिप की दरख्वास्त दे सकते हैं। प्राइवेट स्कूल्स खोलने का मामला। पीएसआरए का सवाल में 30 स्कूलों के खिलाफ एक्शन, तमाम स्कूल सील। खिलाफ वर्जी पर 7 स्कूल्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज। सखर के इलाके सालियापट में नारा किनाल के पानी में भारी भरकम खौफनाक मगरमच्छ इंसानी जाने निकलने लगे। नहर किनारे कपड़े धोने वाली 8 साल की लड़की मगरमच्छ का निवाला बन गई। आरिफ पाला में सेल्फी का जुनून मजीद 2 जिंदगियां ले गया। सुतलज किनारे सेल्फी लेते नौजवान पांव फिसलने से दरिया में जा गिरे। तेज रफ्तारी जान पर भारी पड़ गई। फैसलाबाद की तहसील समंदरी में मोटरवे M3 पर गाड़ी कंटेनर से जा टकराई। 4 अफराद जांबहक, 3 शदीद जख्मी। आवाम महंगाई की दुहाई दे दे के थक गए। इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल कमेटियां गिरा फरोशों के खिलाफ मौसर कार्रवाई में नाकाम। सब्जी, गोश्त, दाल, चावल और दूध दही की कीमतें बढ़ गई। घरेलू बजट मुतासर होने से शहरी परेशान। गांची के गांव रायशा गुर्जे में दरिया का रुख तब्दील। पानी आबादी में दाखिल, करीबी घरों को खाली कर दिया। अहले इलाका में खौफ और हिरास, फसलें तबाह, दरख्तों को नुकसान। सियालकोट की तहसील सबड़ियाल में नाला 1 का बंद टूट गया। पानी गांव में दाखिल, सड़कें बह गईं। जमीनी राबते मुनक़ता, सैकड़ों एकड़ पर खड़ी धान की फसल तबाह होने का खदशा। इस्लामाबाद में सूरज और बादलों की आंख मचौली। कराची में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। बालाई और जेरी इलाकों में मॉनसून हवाएं दाखिल। मगरबी हवाओं की मौजूदगी से मौसम के तेवर बदलने लगे। कैलिफोर्निया के जंगलात में एक बार फिर आग भड़क उठी। हजारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर। आग बुझाने में कई दिन लग सकते हैं, हुकाम ने खबरदार कर दिया। और आपने आज तक उल्टी गंगा बहने का सिर्फ महावरा सुना होगा, लेकिन हम आपको दिखाएं सच में बहती उल्टी गंगा,
जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया में तूफानी हवाओं से आबशार उल्टी बहने लगे। कुदरत का हैरत अंगेज नजारा जिसने भी देखा दंग रह गया।